टोटल चार लोगों की एक फैमिली थी जिसमें दो छोटे बच्चे थे और दो उनके माँ बाप। बाप का नाम रमेश था और बच्चों के नाम जय और राज था। रमेश ने सोचा कि मेरे दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैं अब उनको मैच्योर बनाऊंगा। और उसके बाद रमेश ने दोनों बच्चे को छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम दे दिए, जैसे कि बैंक से पैसे निकालना, खेत का काम देखना, घर का सामान लाना और बहुत कुछ। बाद में धीरे धीरे रमेश ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम बढ़ा दिए ताकि बच्चे डीमोटिवेट हो सके। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि रमेश देखना चाहता था कि मेरे दोनों बच्चों में से कौन ज़्यादा मेहनतू है और कौन जल्दी टूट जाता है। और ऐसा ही हुआ। राज अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी हम अभी छोटे बच्चे हैं, हमें भी खेलना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी आप हमें ये सब काम सौंप रहे हो। हम कब खेलेंगे? हम कब अपनी मर्जी से जिएंगे? हमें थोड़ा आराम तो दीजिए। दूसरी तरफ जय कुछ नहीं कहता, इसलिए रमेश खुद जय के पास जाता है और पूछता है कि बेटा, राज मुझसे आराम का समय और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम को घटाने को कह रहा है, तुम कुछ नहीं कहोगे? तब जय ने जो कहा उसे हमें भी समझना चाहिए। जय ने कहा, पिताजी हम दोनों में से उम्र में और ज्ञान में कौन बड़ा है? रमेश ने कहा, मैं। लेकिन क्यों? तब जय ने कहा, तो फिर जब आप हमें मैच्योर समझ के इतना सारा काम सौंपते हो तो आप तो ज्ञान में, उम्र में और अनुभव में हमसे बड़े हैं, हमें पैदा करने वाले भी आप ही हैं, तो आप तो हमसे भी मैच्योर हुए, और इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जैसे आपको हम पर विश्वास है कि जो भी काम आप हमें देंगे वो हम कर सकेंगे, तो मुझे भी आप पर पूरा विश्वास है कि जो भी काम आप हमसे करवा रहे हैं वो हमारे लिए और हमें बेहतर बनाने के लिए ही होंगे। जय के शब्द सुनकर रमेश बहुत खुश हो गया और खुशी के आंसू से रोने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे जय ने खुद की सिचुएशन में पॉजिटिव विचारधारा रखी, उसी तरह हमें अपनी लाइफ की सिचुएशन में रखनी चाहिए। हम सबके माँ बाप, सृष्टि के कर्ता वैसे हमारे भगवान ने जो भी हमें दुख जैसी परिस्थिति दी है वो हमें और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ही दी है, क्योंकि भक्त के दुश्मन भगवान कभी नहीं हो सकते।